हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे ही फ्रेंड्स आप भी अपने रेडमी के फ़ोन में लॉक स्क्रीन पासवर्ड को सेटअप कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप अपने लॉक स्क्रीन पर कोई पासवर्ड वगैरह लगाना चाहते हो तो आप कैसे लगा सकते हो। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरे पास अभी कोई पासवर्ड नहीं है लॉक स्क्रीन पर, मैं से ही अपने फ़ोन को अनलॉक कर लेता हूँ बिना किसी पासवर्ड के। तो फ्रेंड्स, आप किस तरीके से लॉक स्क्रीन पर पासवर्ड को लगाओगे, चलो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फ़ोन की सेटिंग में जाना है। फ्रेंड्स, फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा रेडमी के फ़ोन्स में। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आ जाना है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी सेटिंग में। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलता है फ्रेंड्स स्क्रीन लॉक, फिर फ्रेंड्स यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक है और फेस लॉक है। फ्रेंड्स इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम आ जाते हैं टॉपिक पे, स्क्रीन लॉक पे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पहले पासवर्ड को सिलेक्ट करना है, जो भी आप पासवर्ड लगाना चाहते हो। जैसे कि फ्रेंड्स मैं लगाना चाहता हूँ पिन लॉक पासवर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स पहले आपको इसको पढ़ लेना है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जो भी लॉक स्क्रीन का पासवर्ड है, रिमेंबर योर स्क्रीन लॉक। या तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये याद रखना है। अगर आप इसको भूल जाते हो तो फ्रेंड्स आपका जो भी डाटा है फ़ोन का, डिवाइस का, सब कुछ डिलीट हो जाएगा आपके फ़ोन से। फोटोज़, वीडियोज़ वगैरह जो भी आपकी हैं वो सब डिलीट हो जाती है। फ्रेंड्स जो भी पासवर्ड इंटर करोगे खास ध्यान रखना, और फ्रेंड्स आप इस वाले आइकन को जरूर ऑन कर लेना। इससे फ्रेंड्स ये होगा, आप जो भी पासवर्ड इंटर करते हो यहाँ पर आपको शो हो जाता है। अगर आप इसको नहीं करोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो पासवर्ड शो नहीं हो रहा है, तो मुझे नहीं पता लगा मैंने भी क्या इंटर करा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर तो फ्रेंड्स आप 4 to 16 digit पासवर्ड लगा सकते हो। फ्रेंड्स मैं लगाऊंगा 6 digit का पासवर्ड, और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए भी 1 2 3 4 5 6 लिख लिया है। आप कुछ भी लिख सकते हो 4 digit से लेकर 16 digit तक, बट फ्रेंड्स आपको अपना पासवर्ड याद रखना है, भूलना नहीं है फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स आप ओके पे क्लिक करते हो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट। आप फिंगरप्रिंट वगैरह लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते हट जाना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपने स्क्रीन को लॉक करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर अपने फ़ोन को अपन लॉक करना चाहते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 6 digit का पासवर्ड हमें यहाँ पर इंटर करना है, उसके बाद हम अपने फ़ोन को अनलॉक करके यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैंने पासवर्ड इंटर करा यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा फ़ोन अनलॉक हो चुका है। तो फ्रेंड्स कुछ आप भी इस तरीके से स्क्रीन लॉक पासवर्ड को लगा सकते हो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो अपने रेडमी के फ़ोन में, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक पे क्लिक कर लेना है। स्क्रीन लॉक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है, और आप यहाँ से पासवर्ड वगैरह चेंज भी कर सकते हो, जो भी पासवर्ड आप लगाना चाहते हो। जैसे कि मैं पैटर्न पे क्लिक करता हूँ, और फिर से यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलेगा हमें अपना स्क्रीन लॉक याद रखना है। अगर हम कोई गलती वगैरह करते हैं तो हमारा जो है लॉक स्क्रीन पासवर्ड वो हम उसको अनलॉक नहीं कर सकते, फ़ोन को हमें रीसेट करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो पहले पिन लॉक था, मैंने इसको चेंज कर दिया है पैटर्न में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे पिन लॉक आपको इंटर नहीं करना है, यहाँ पर आपको पैटर्न को ड्रॉ करना है और आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से अपने लॉक स्क्रीन पासवर्ड को हम सेटअप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स अगर आप अपने लॉक स्क्रीन पासवर्ड को यूज़ नहीं करना चाहते आप इसको हटा भी सकते हो। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो इसको यूज़ नहीं करना चाहते, और जो यूज़ करना चाहते हैं वो इस तरीके से रहने ही देंगे अपने पासवर्ड को, चाहे वो पैटर्न पिन या पासवर्ड कुछ भी हो। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो टर्न ऑफ स्क्रीन लॉक पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन पे कोई पासवर्ड वगैरह नहीं है। यहाँ पर अगर मैं इसे स्वाइप करूँगा फ़ोन अनलॉक हो जाएगा बिना किसी पासवर्ड के। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय फ्रेंड्स।